हेलो प्यारे दर्शकों, पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास न भूख मिटाने के लिए खाना है और न ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। आप अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह आपकी कल्पना मात्र है। प्यारे दर्शकों, कहानियां, कविताओं और फिल्मों में हमने कई बार नाविकों के साथ होने वाली समुद्री घटनाओं के बारे में पढ़ा है और लिखा भी है। समंदर में बहते हुए ऐसे लोग कई बार अनजाने टापुओं या देश पहुंच जाते हैं। आपने फिल्मों में तो ऐसे लोगों को सरवाइव करते देखा ही होगा, पर असल जिंदगी में बहुत ही कम लोग ऐसे हालातों में मौत को हरा पाते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सल्वाडोर अल्वारेंजा से वो शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो शख्स 438 दिनों तक समंदर में खोया रहा पर जिंदगी की जंग नहीं हारी। वीडियो के अंत तक बस आप बने रहिएगा जिससे आपको पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो सके। जी हाँ दर्शकों, उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है? यह कहानी है एक लीडर मछुआरे जो सल्वाडोर अल्वारेंगा की। जी हाँ, वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो, लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। जी हाँ दर्शकों, सुनकर आपको ताजुब लग रहा होगा लेकिन यह सत्य घटना है। 17 नवंबर 2012, जी हाँ 17 नवंबर 2012, यह वह तारीख है। अल्वारेंगा मेक्सिको के एक गांव से निकलता है और गहरे समुंदर में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियां पकड़ने में उसे अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टीप शार्क और सेल्फिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी तो पहले मिल चुकी थी, बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे भारी पड़ा दर्शकों। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक डाली। अब उसके पास न तो खाने के लिए राशन था और न रोशनी थी और न ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री पक्षी पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता, या हम कह सकते हैं कि उन्हें खाना पड़ता था। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक बार ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना मूत्र तक पिया। करीब 4 महीने के बाद सल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अंततः भूखमरी से मर गया। मगर सल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। सल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 दिन नारकीय दिनों के बाद
अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्होंने लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और ही था। आगे अल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही थी। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने आने पर काफी खुश हुई। जी हाँ, अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें दंग रह गई। 14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बलबूते पर जिंदा वापस लौट कर आया। इस व्यक्ति की कहानी किसी खतरनाक एडवेंचर से कम नहीं है। मेक्सिको का रहने वाला 37 वर्षीय जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा मछली पकड़ने के दौरान तूफान आने पर समंदर में भटक जाता है। 13 महीने तक अपनी नौका के साथ समंदर में रहता है। मेंढक और पक्षी खाकर जिंदा रहता है। बाद में 8,800 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड के पास मार्शल आइलैंड पर उसे किनारा मिलता है और वह अपने घर तक पहुंच पाता है। तो प्यारे दर्शकों, आज की हमारी यह कहानी सल्वाडोर अल्वारेंगा की, यह रहस्यमय कहानी कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां ऐसे ही हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहे। अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि उन तक भी यह सही जानकारी और रहस्यमय जानकारियां उन तक पहुंच सके। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।